हाय जेमिनाय, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं इस वीक की एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। 6 नवंबर से 12 नवंबर जेमिनाय मिथुन राशि रहेगा ये वीक। जेमिनाय मिथुन राशि के लिए क्या हैंग्ड मैन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए माय डियर जेमिनाय मिथुन राशि, इस वीक की जो एनर्जीज आपकी आई हैं, अगर आपको इस वीक कुछ ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन स्टक है, आप कहीं किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है या ग्रोथ नहीं मिल रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो माय डियर यहाँ पर क्या दिक्कत है, आपके खुद के माइंड में, आपके खुद के कर्मों में दिक्कत आ रही है। बेसिकली यहाँ पर हैंगमैन की ऊर्जा है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही आप जिस तरह से अभी आप चल रहे हैं ना, अगर आप इसका उल्टा अगर आप करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया उल्टा कर देते हैं, अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, या फिर जो आप जिस तरीके से उन चीज़ों को कर रहे थे उस पाथ को अगर आप चेंज कर देते हैं, तो चीज़ें आपको ग्रो देने लगेंगी। ठीक है, आप अगर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलने का कोई आसरा नहीं नज़र आ रहा है, और आपने भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करने बंद कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो एफ़र्ट आप ही को करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, जस्टिस का कार्ड भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ वॉन्ट्स की ऊर्जा है, जो कि बता रहा है कि आपने अपनी तरफ से जो भी एफ़र्ट्स डाले, क्योंकि आपको आउटकम उतना नहीं मिला, मैं कहूँगी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, चाहे वो कोई भी एरिया हो, आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका लव एरिया हो, जिस भी एरिया को लेकर के आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, बेसिकली वहाँ से आपको ज़्यादा आउटकम देखने को नहीं मिला, या वहाँ से कुछ भी आपको उम्मीद जो थी वो मिला ही नहीं है। तो अब आप थक गए हैं, हार गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और अपने आप को आपने बांध दिया है, लिमिट कर लिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हैंग्ड मैन ने भी अपने आप को यहाँ पर बांध दिया है, और यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ट्स में भी इस लेडी ने अपने आप को इस ट्री के अंदर बांध दिया है। तो बेसिकली आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है खुलने के लिए, नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ओपन करने के लिए, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ओपन करने के लिए, और अपनी एनर्जीज को सबसे पहले तो बैलेंस कीजिए। एक ना एक स्ट्रांग डिसीजन आपको अपनी लाइफ में इस समय लेना है, वो एक्शन आपको लेना है। डिसीजन क्या लेना है, एक एक्शन आपको लेना है कि यस, मुझे अब
अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि डिसीज़न मैंने ले लिया है लेकिन मैं एक्शन अभी नहीं ले रहा हूँ। आपको एक्शन ओरिएंटेड भी अभी होना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज़ को अभी एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। जो स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर या कोई भी आप सभी देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी नया ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वो डिसीज़न आपको लेने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। बस कमी है थोड़ा अपने अंदर झांकने की। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आइए, उस करेज को लेकर आइए, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए और आगे बढ़िए। और जितना ये वीक आपसे मांग रहा है, डिसिप्लिन होना, बैलेंस होना और वो डिसीज़न लेना, बैलेंस डिसीज़न लेना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, डिसिप्लिन में आना और उसी तरीके से डिसीजंस को भी लेना और एग्जीक्यूशन भी करना। और जैसे ही आप ये सब चीज़ें इस वीक में करते हैं, वहीं आपके लिए यहाँ पे 10 of Cups की भी ऊर्जा है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है, जो पीस को, शांति को दिखाती है। जो लोग यहाँ पे फैमिली में शांति, बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन है कि कोई एक सिचुएशन आपकी ख़राब हो रही है जिस वजह से फैमिली भी सफ़र कर रही है, तो वहाँ पे वो खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही है, वो पीस हैप्पीनेस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अभी ये जिन जिन के लिए है वो उनको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 of Pentacles की भी ऊर्जा है। बेसिकली आप अपने आप को कम आंक रहे हैं यहाँ पर। ये जो ऊर्जा है ना, वेटिंग की ऊर्जा है कि जितना आपने किया था उतना आपको मिला नहीं, या किसी चीज़ की वेट है आपकी कि मुझे उतना आउटकम मिलना चाहिए, उतना मिला नहीं तो मैं अभी रुका हुआ हूँ। और उस वेटिंग वेटिंग टाइम में क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप कहीं शिफ्ट भी करना चाह रहे थे, अगर आपने वो स्किप कर दिया, तो माय डियर थोड़ा चेंज लाना, एक चेंज लाना अपने अंदर, चाहे वो आप फिजिकल रिलीफ में हो आपके, चाहे अंदर इंटरनल हो, चाहे कोई डिसीज़न ऐसा इम्पॉर्टेंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिकली कोई चेंज लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शंस में मत बांधिए अपने आप को, लिमिट मत कीजिए यहाँ पर इस वीक आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो मादा है, आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो पावर है कि आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप अब थक चुके हैं, हार चुके हैं और आप आगे से अब कुछ करने के मूड में नहीं है, तो आपको यहाँ पे यही डिवाइन इस वीक की राय दे रहे हैं कि आपको एक्शंस अभी लेने हैं, आपको आगे अभी बढ़ना है, वो डिसीज़न आपको लेना है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नया ऐड करने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।